सो हे गाइस, बैक टू माय चैनल विद अ न्यू व्लॉग। सो अभी टाइम मिला है कि शूट कर रहा हूँ। सो गाइस, ये जो व्लॉग है इसमें मैं नहीं रहने वाला, आगे का टेक ओवर पीयूष करने वाला है। वी आर डूइंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। हाँ, बुलेट को भी अभी बजना है। आई एम एट डिफरेंट प्लेस एंड पीयूष इज एट डिफरेंट प्लेस। सो वी आर गोइंग टू ग्राइंड टुगेदर। मतलब वो जहाँ भी जाएगा वहाँ पे ब्लॉग करेगा, तो मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ ब्लॉग करूँगा, बट काम कंटिन्यू चलता रहेगा। वी आर फ्रॉम डिफरेंट साइड वर्किंग टुगेदर। हम कैसे कैसे तो भी मैनेज करके कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम्स भी चल रहे हैं। सो लेट्स गो एंड चेक माई न्यू वीडियो। और नारुतो का भी वीडियो है। नारुतो के तो कितने सारे फैंस हैं, आपको भी पता है। सो नारुतो का एक कैफ़े खुला है पुणे में, तो आगे की इन्फॉर्मेशन और डिटेल पीयूष बताएगा आपको। सो तब तक के लिए जाके चेकआउट कीजिए। Welcome to San Andreas. I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep, beefing with anybody. Hello guys, कैसे आप लोग? आज आप सोच रहे होंगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, आर्यन कहाँ है? तो बात ऐसी है कि मैं अभी हूँ एक अलग जगह पे, जैसे कि आप देखिए देखो पीछे आप देख सकते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पे 26 जनवरी का प्रोग्राम चल रहा है। तो बात ऐसी है कि मैं पुणे में हूँ और आर्यन नासिक में है। तो हम दोनों ने सोचा कि अभी अलग अलग जगह से ब्लॉग डालते हैं, मैं भी डालूँगा, वो भी डालेगा। तो जैसे कि थोड़ा यूट्यूब की जरूरत भी पड़ेगी और काम भी हो जाएगा। तो आज के दिन में बहुत सारे प्लान्स है, हम बाहर जाने वाले खाने के लिए। जो एक मुझे यहाँ पे आने के बाद पहली बार पता चला कि रुचि राकुल बिस्टो करके एक जापानीज थीम होटल रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम नारू के जैसे डिशेज ट्राई करेंगे जैसे हम एनिमे में देखते हैं। सो अभी यहाँ प्रोग्राम तो और ज़्यादा चलने वाला है, मगर मुझे लगता है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा और नहा धो के तैयार होना है। और फिर देखिए पीछे भी देख सकते हैं आप कितनी गर्दी है, क्या बोल सकते हैं, पीपल पब्लिक यहाँ पे, कॉलेज का सब है। तो अभी देखो यहाँ पे प्रोग्राम और चलेगा, अगर हमें ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है यहाँ पे, हमें और बाहर भी जाना है। तो गाइस अभी उनका प्रोग्राम चल रहा है, तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा रुकने की ये नहीं है इच्छा, क्योंकि ये देखो ये सब लोग ऐसे अच्छे कपड़े पहन के आए और मैं ऐसा पीली चड्डी में आया हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं आउट ही इन लोगों में से एक्सक्लूड हो रहा हूँ। तो अभी रूम पे जाते हैं और फिर आगे का प्लान डिस्कस करते हैं। चलो सो हे गाइस, हमारी तैयारी हो गई, अभी हम निकल रहे हैं। बस यहाँ से बस का पास लेना है और सीधा जाना है इचिराकुज में। और मगर उनका जो ओपनिंग टाइम है वो 1 बजे का है और अभी 12:30 हो चुके हैं। तो जाते जाते उतना टाइम तो हो जाएगा, 1-1.5 घंटा, अगर और भी देर लगी कि बाकी है खुलना तो आजू बाजू घूम लेंगे और क्या, उतना भी। चलो मिलते हैं। अभी हम डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। ये मेरा रूममेट है जो अभी आज हमारा कैमरामैन का काम करेगा। अभी यहाँ से जाना है, अभी बस स्टॉप में हमें 2 बसेस पकड़नी है यहाँ से, और 2 बस से जाके हमारा आखिरी डेस्टिनेशन आएगा जो है इचिराकुज बस स्टॉप। तो देखते हैं, ट्रैवल बहुत बड़ा है। सो गाइज अभी हम बस में बैठ चुके हैं, अभी ट्रैवल करते करते अभी बहुत देर है, तो उतने वक्त में तो आ ही जाएंगे। तो भाई हम जहाँ से आते हैं ना, वहाँ पर जाने के लिए सब जगह से बस मिल जाती है, एक ही बस डायरेक्ट चले जाते हैं, मगर साला हमें जिधर जाना होता है ना उधर 3, 4, 5, 6 बस पकड़नी पड़ती है यार, दुख समझो। पुणे में आते वक्त अपनी खुद की गाड़ी लेके आओ। 6.5 hours later गाइस हम अभी उतर गए हैं और चलते चलते हुआ यूँ कि 2-3 बस बहुत तकलीफ दे रही थी, तो हमें रुकना पड़ा बीच में बहुत देर। धूप भी बहुत थी और जल्दी बस भी नहीं मिल रही थी, तो हम सीधा बड़े वाले बस डिपो पे गए और वहाँ से हमने बस मिली। अरे भाई क्या गाड़ी दिख रही है यार, सॉरी। तो बात ऐसी है कि मिल गई बस, अभी उतरे हैं, अभी यहाँ से चल के इचिराकु बस कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो चल के जाते हैं और फिर वहाँ का आगे देख ही लेना, खाना भी होगा और साथ में थोड़ा सा उनसे पूछ भी लेंगे क्या है क्या नहीं है। हम तो पहली बार ये एरिया में भी पहली बार आ रहे हैं, तो इसलिए हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है, देखते हैं। A few moments later, गाइस आ गए देखो, यहाँ पे दिख रहा है क्या, अकाचकी वाला सब। तो वहाँ पर अभी जाना है, बहुत दूर से चलते चलते आए हैं, तो अभी जल्दी जल्दी वहाँ पे जाते हैं, फिर अंदर का देखते, मजा आएगा। आप भी यहाँ पर पुणे में आए तो जरूर यहाँ पे आना, हम देखते हैं अभी बाद में रिव्यू देंगे, अभी बहुत भूख लगी है, पेट बोल रहा है कि भाई खा ले, तो इसीलिए अभी आए हैं। फाइनली यार पहुंच गए, ये देखो वन पीस वाला साइज,
बहुत दूर से चल के आए, अभी अंदर जाते और देखते क्या है, बाद में बात करते। सो आ गए यहाँ पर, हमारा मेन्यू है, ऊपर जाके देखते हैं क्या यहाँ पे चल रहा है सब। तो बैठे हुए, अरे मैं बहुत बड़ा हो गया, कैसा लग रहा है? देखो एनीमे चल रहा है यहाँ पे। सो अभी यहाँ पे हमारे एक प्रोफेशनल आदमी है जो हमें बताएंगे, यहाँ पर मेन्यू में बहुत कुछ है, गोजो चिली ऑयल नूडल्स, गोजो बात कर रहा है हमसे, ये खा लो वो खा लो, यहाँ सुकुना का है, यहाँ पर आनिया सा भी है, यहाँ पर हमारा बांकाई टाकोज है जो सीधा इचिगो से डिलीवर होता है शायद, और यहाँ पर है लूफी समर रोल। तो अभी देखते हैं यहाँ पर कितना क्या क्या मिलेगा, और यहाँ पर बिगिनिंग में भी है अर्थ बाउल रामेन वगैरह, फायर रामेन पीछे की साइड में, नहीं पीछे की साइड में कुछ नहीं, और यहाँ पर। सो आ गए, हमने ऑर्डर भी दिया है, ऑर्डर का पेज मैंने आपको दिखा दिया होगा जैसे मुझे याद है, मगर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, मस्त बहुत बड़ी मस्त चीज़ है, इताची है, लूफी है, यहाँ पर कुछ और कैरेक्टर्स भी है जो मैं नहीं जानता, और उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे दो क्यूट कैरेक्टर्स सांजी, जोरो और लूफी, ये सब बीगल हेड्स है आप देख सकते हैं, इन्हें खरीद, ये परचेसेबल भी है मगर यहाँ पर परचेसेबल नहीं, यहाँ पर सिर्फ उन्होंने हमारे एंटरटेनमेंट के लिए रखा है, और पीछे यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं बहुत मस्त है वो, आपने देखा होगा पता नहीं, ये देखो सबसे मिनिएचर, यहाँ पे है टोबी गारा, ये पहचानो और इसका नाम कमेंट्स में बताना जल्दी जल्दी, ओके धन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैठने की ऐसी जगह है सब, और वहाँ पर चल रहा है नारुतो, वो लोग खा रहे हैं और नारुतो भी देख रहे हैं, हम भी साथ साथ देख रहे हैं, मगर अभी हमारा ऑर्डर आना बाकी है। तो ये भाई यहाँ पे बैठे है, चल रहा है इनका, यहाँ पे सारी मांगाज है पढ़ सकते हैं, यहाँ से एक मांगा इनको देखते हैं, एक्चुअली ये उल्टी है आपको इसे पता ही होगा, ये देखो सब उल्टा पुल्टा, थोड़े थोड़े सब मुझे अभी जब नहीं सीख रहा हूँ तो पता है, मगर यहाँ पे बोलना नहीं पसंद करूँगा, चल रहा है यहाँ पे, और अगर ये साइड से देखें तो ये साइड पे सिर्फ उल्टा है भाई, पहली बार कुछ देखा होगा ऐसा। तो ठीक है, ऑर्डर आने के बाद मैं आपको बता ही दूँ। सो गाइस हमारे ऑर्डर आ चुकी है, पहली ऑर्डर में देखिए यहाँ पर एक क्या बोले इसे, नहीं सुकुनास फिंगर नहीं है ये, ठीक है ये पूछते हैं हम पहले, ये ड्रिंक है तो ये हमें मिला है लाइम मोइटो, लाइम आइस टी है शायद, हाँ आइस की है, लाइम आइस टी, ये ब्लूबेरी आइस टी, और ये है चिकन विंग्स, फ्राइड विंग्स है, और ये आपको खा के भी दिखाते हैं, ज़रा दो मिनट लग जाइए, और ये हमें चॉपस्टिक्स भी दिया है इसकी वजह से, खाते हैं। गाइस पहले यहाँ पर चिकन और पटेटोज़ है, तो मैंने चिकन खाया, बहुत मस्त है, मेरे मुँह में पानी अभी उठते का आ रहा है कि मैंने चिकन का पहले टेस्ट दिया, और यार बहुत सारा पानी आ रहा है, देखो आपको पटेटो भी दिखाता हूँ मैं, नीचे की साइड में पटेटोज़ है और ऊपर की साइड में चिकन है, तो यार ये पटेटो बहुत पैक करके रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, इसे हम थोड़ा डिप कर लेंगे। सो ये है पटेटो, दो साल के मेहनत काम में आई, दो साल से चॉपस्टिक इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई, बहुत गर्म है, फिलहाल टेस्ट भी एकदम फिनोमिनल है, टेस्ट का भी कोई इशू नहीं है, मैं कुछ चिकन भी खाता हूँ मैं, ये है चिकन का पीस, देखो कितना बड़ा है, लाइट अभी लाइट कंडीशन ठीक है, ये है चिकन और ये भी बहुत मस्त है,
मैं चॉपस्टिक से खा रहा हूँ और ये बेचारा चमचे से खा रहा है, उसको जमता नहीं है चॉपस्टिक। बहुत मस्त है भाई, कितनी बार बना रहे, पूरा खत्म कर दिया। अभी से भाई एक और आ रहा है, पीछे शोर देखो एनिमे चल रहा है वहाँ पे नारुतो, एकदम परफेक्ट उस मोमेंट पे है वो। और ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, आप जैसे कि देख सकते हैं, ये है एक फायर बॉल रामन। सो हमारा एक सेकंड आ गया है, ये है फायर बाउल, ये देखो राइस नूडल्स है, उसके बाद एक फो बना हुआ है। ये सब बहुत अजीब और गरीब है, तो आपको इतना जल्दी समझेंगे नहीं। तो भाई नूडल उठा के दिखा कैसे है, ये वाले अपने नॉर्मल नूडल्स तो है नहीं, ये है राइस नूडल्स जो फ्लैट आते हैं। और वहाँ पर देखो एक मेन सीन चल रहा है अभी, यहाँ पर ऊपर बहुत बड़ा है, क्या सीन है। ऐसे जाने दो, फिलहाल हम खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पे ये है हमारे नूडल्स, और क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हो गया देखो शिनरा देन जो उसने अटैक कर दिया, पूरा सिटी उड़ेगा, अभी उड़ गया, अभी हम इसे उड़ाते हैं। भाई लोग सब कुछ खा के घूम गए यार, बहुत टेस्ट बहुत मस्त था, थोड़ा स्पाइसी क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं जापनीज़ खाना है तो। और गुद्दे की बात कहा जाए तो थोड़ा सा टेस्ट नहीं होते, फ्लेवर्स नहीं होते, हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। हम खाते हैं चाइनीज़ और पंजाबी और क्या अलग अलग इंडियन टाइप्स के खाना खाते हैं, मगर पहली बार हमने जापनीज़ खाया, बहुत मस्त लगा, मुझे पसंद आया। और ख़ासकर कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमें नहीं पता होती है, तो वो चीज़ें भी थी यहाँ पर। और पूछते हैं हम नीचे शेफ से ही पूछेंगे कि उन्होंने कैसे बनाया, क्या बनाते हैं और हाल चाल पूछते हैं। उससे पहले ये मेरा दोस्त है, उसको पूछते हैं कैसे लगा। ये देखो इतना सारा खाना हमने अभी ख़त्म किया है, यहाँ पे दो बाउल थे, वहाँ पे चिकन फिंगर्स थे, वहाँ पे आइस टी थे दोनों जगह पे, बहुत टेस्टी फूड था। अभी इसको पूछते हैं भाई कैसा लगा बता, क्या क्या था, और एक चाहिए लेगा भाई। ये सब हमने खाया ज़रूर है मगर महंगा बहुत है, वो एक दिन के लिए अच्छा लगता है मगर हर रोज के लिए नहीं। और फिर से आने का प्लान है कि नहीं, अगली बार आएंगे, अभी नहीं, अभी हम खुद को ही ये नहीं होगा। तो देखिए गाइस अभी भी एनिमे चल रहा है, हमारा खाना हो चुका है, अभी हम बस नीचे जाते हैं, शेफ से बात करते हैं निकलने का क्या है देखते हैं। और हमारा तो कुछ आने जाने का कुछ तकलीफ है नहीं, हमने बस का पास निकाला, ये है खाना ख़त्म हो गया है, चलो चलते हैं। भाई खाना खाने के बाद जो तीखा लगा है भाई, अभी तक पक्के के बाजू में बैठा, देखो मेरे को अंदर से पसीना आ रहा है, इतना तीखा लगा है और क्या ही कर सकते हैं। तो गाइज हम अभी आ गए नीचे, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, हम शेफ़ को भी बुला लेते हैं और उनसे सब पूछते हैं कि कैसा है। आप शेफ है क्या? तो पहले मुझे बताइए कि ये एनिमे थीम्ड ऐसा चालू करने का आपका आइडिया कहाँ से आया आपको? और ये सब जो फिगर्स यहाँ पे रखे है, ये अभी लाए है कि पहले से है? वही मुझे वही लगा कि यार ऐसा कुछ वो इंस्टाग्राम पे फ्रेम्स है, वो फ्रेम सारे स्टार्टिंग से ऐसे ही है, हाँ वो ओल्डर का एनिमेज के सब है, तो वही मुझे एक दिन स्क्रॉल करते करते दिखा कि हाँ ऐसा कुछ है तो जाना चाहिए, अभी पुणे में है और नहीं आया तो फिर कैसा होगा, वही इसी के लिए। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी
जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब यही पे मिलते हैं कि आपको लाने पड़ते हैं बाहर से? वी मेक मोस्टली एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, लाइक 90% ऑफ द थिंग्स आर मेड ओवर हियर इन द किचन. हां हां, ओनली लाइक सम ऑफ द थिंग्स आर आउटसोर्स. ओके, मोस्टली एवरीथिंग वी मेक फ्रॉम स्क्रैच ओवर हियर, लाइक फॉर एग्जांपल द सॉस ऑन द थिंग्स, वी मेक दैट ओवर हियर. Oh, that's really nice. Base for the broth and ingredients. Yes. And means, how did you just start making this? Because it's not like आपको कुछ चावल बनाने तो आपको पता है कि चावल कैसे बनाते हैं, मगर ये आपने कैसे पता? The owner is also a chef. Yes. Like had a lot of experience working in Asian and Japanese restaurants. Oh, that's really nice. So because of that, he's able to like come up with something. वैसे मेरा भी है कि मैं भी अभी जस्ट N5 सीखना चालू किया हूँ जापनीज में, तो थोड़ा सा भी मुझे कोरिलेट करना अभी अच्छा लग रहा है कि कुछ यार हाँ अभी क्योंकि उनका थोड़ा थोड़ा पता चलना चालू हो गया है, तो वैसे करके धीरे धीरे चीज़ें, क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़्यादातर हमें देखने को मिलती नहीं है कहीं पर, और मोस्ट ऑफ दी सिटीज़ में देखा जाए तो होता है, मगर इतना जैसा कि यहाँ पर एक कंप्लीट जो थीम है, अगर कंप्लीट ऊपर बैठे तो हमें ऐसा लग ही नहीं रहा हम कहीं पे ऐसे जगह पे बैठे जहाँ पे क्राउड है, बसेस जा रहे हैं, हाँ एकदम कुछ पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है, बस खा रहे हैं, एनिमे चल रहा है एंड ऑल, जस्ट वही. थैंक यू, यस, वेलकम वेलकम गाइज. अभी बोलते बोलते ऐसा हो गया, आर्यन अगर तुम देख रहे हो तो ये भैया भी जो शेफ है यहाँ के वो भी नासिक से है. जस्ट से हाय टू आर्यन and Hello, all the public. I'm from Nasik. So guys, Pravasi Devota. So guys, हम अभी निकल चुके हैं, हमारा इंचिरा कुछ दृष्टों पे खाना हो गया है, आज घूम भी लिया बहुत, मतलब क्या बताओ, आज का दिन बहुत मस्त था. इंचिराकू पे हमने जो भी खाना खाया इतना मस्त था. सबसे पहले तो था आइस टी जो बहुत ही मस्त था, उसके बाद था हमारा सुकुनाज और कस फिंगर्स, वो चिकन और पोटैटोस था उसमें, दोनों भी बहुत मस्त थे, बहुत पसंद आया, अफलातून टेस्ट था. आप अगर पुणे में हो तो आप ज़रूर ट्राई करना, और बानेर एरिया में रहते हो तो भाई क्या कर रहे हो तुम, वहाँ पे भी नहीं गए. और उसके बाद एक था हमारा फायर नेशन बाउल, वो एक भाई क्या बताओ बहुत अलग चीज़ थी, और उसके बाद हम दोनों ने मिलकर शेयर करके खाई, क्योंकि वो एक अकेले के बस की बात है भी नहीं. वैसे उन्होंने बोला था कि भाई शेयर कर लो, क्योंकि एक बंदे के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, तो फिर हमने शेयर किया. उसमें थे एग्स, राइस नूडल्स जो कि फ्लैट होते हैं, हमारे नॉर्मल मैगी नूडल जैसे गोल नहीं होते, और उसमें कुछ थे थाई चिली जो उन्होंने बोला था, आपने सुना ही होगा जो उन्होंने कहा, और यही सब चीज़ें थी, और कुछ नई नई चीज़ें हैं जो हमें भी एक्सप्लोर करने के लिए मिलती है, तो ऐसा करते रहते हैं हम. तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आ गया तो ज़रूर से एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर अगर आपको पसंद है ऐसा जापनीज़ खाना, और अगर आप एनीमे देखते हो तो यहाँ पे आ सकते हो पुणे में रहते हो तो, और अगर नासिक में रहते हो तो आप नासिक के दोस्त हो मेरे, तो फिर अगर आप पुणे आए हो तो यहाँ पे आ सकते हो अगर घूमने आ रहे हो तो, और फिर नहीं तो फिर आप बैठे रहो और हमको देखो, हम आपके लिए मज़ा कर लेंगे, और क्या ही हो सकता है. चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में.